एनसीपी का मुख्यमंत्री योगी पर एक बड़ा हमला देखने को मिला है, जहां पर सीएम योगी को नवाब मलिक ने जनरल डायर बता दिया है। उनका कहना है कि सीएम योगी जनरल डायर ना बने, जनता जल्द इनको सबक सिखाएगी। तो सीएम योगी ने कल किस तरह से तीखे प्रहार विपक्ष पर किए थे, ये कहीं ना कहीं उसी को लेकर हम कह सकते हैं कि एनसीपी नेता नवाब मलिक का ये बयान, जनरल डायर ना बने सीएम योगी, ये कहा गया है। योगी आदित्यनाथ जी का बयान कि मरने के लिए आएंगे तो जिंदा कैसे जाएंगे, बड़ा शर्मनाक है। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि अपने राज्य के सभी लोगों को समान न्याय दे, लेकिन जिस तरह से बयान दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोगों का प्रोटेस्ट करना अधिकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने लगातार गोलियाँ चलाई और योगी जी कह रहे हैं कि मरने के लिए आए थे। क्या संदेश देना चाहते हैं कि सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन होगा तो गोली से उड़ा देंगे? हमें लगता है कि जनरल डायर बनने की कोशिश ना करें, ये लोकतंत्र है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी यहाँ पर जुड़ गए हैं। आदित्य, एनसीपी नेता नवाब मलिक का ये बयान, यहाँ पर कहीं ना कहीं उससे जोड़कर देखा जाए कि कल जिस तरह से राज्यपाल के अभिभाषण पर जब सदन को संबोधित कर रहे थे, कई तीखे प्रहार विपक्ष पर किए गए थे। जी हाँ रितु, ये जो रिएक्शन हुआ है वो जहाँ तक योगी के बयान पर ही है, क्योंकि कल योगी के जो भाषण था सदन में वो बहुत ही तीखा था। वो चुन चुन कर अपने विरोधियों को निशाना बना रहे थे, जिसमें सबसे ऊपर अगर थी तो समाजवादी पार्टी सपा थी, उसको उन्होंने टारगेट किया हुआ था, लेकिन उन्होंने सभी विरोधियों को अपने निशाने पर रखा हुआ था। नवाब मलिक का जो बयान आया हुआ है, निश्चित तौर पर ये उसी का रिएक्शन है, और नवाब मलिक इस रिएक्शन को देने में कहीं ना कहीं अपनी हदें पार कर गए। उन्होंने जनरल डायर से तो तुलना की ही की, इसके साथ वो ये भी बोल गए कि यदि वो महाराष्ट्र आते हैं तो जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। तो ये जो बातें हैं कहीं ना कहीं उनको सुर्खियों में भी लाती हैं, और नवाब मलिक का जो पिछला रिकॉर्ड रहा है सुर्खियों में रहने के लिए वो इस तरह के बयान बिल्कुल बिल्कुल हमने देखा था कि जब सरकार को लेकर यहाँ पर काफी रस्साकशी चल रही थी, तो उस दौरान भी कई बयान यहाँ पर नवाब मलिक के जरिए दिए गए थे। लेकिन अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर इस तरह का हमला यहाँ पर जो किया गया है, आदित्य, क्या अभी तक सरकार की तरफ से इस पर कोई पलटवार हुआ है? देखिए, सरकार की तरफ से तो ऐसा कोई रिएक्शन अभी नहीं आया है उत्तर प्रदेश से, लेकिन हाँ, भाजपा प्रवक्ता हैं, जो भाजपा के कुछ पदाधिकारी हैं शीर्ष पद पर, उन सभी ने इसको इसकी आलोचना की हुई है और इसको गलत बताया है, खेदजनक बताया हुआ है, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये उनके फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है नवाब मलिक का, जो इस अंदाज में बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि अब आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो आदित्य यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से हिटलर ना बनने की बात यहाँ पर की है, जनरल डायर ना बनने की बात यहाँ पर की गई है, क्या हम ये माने कि कहीं ना कहीं सीएम योगी के जो प्रहार रहते हैं विपक्ष पर, वो कहीं ना कहीं बेहद ज्यादा असर करते हैं? यही नतीजा है कि जब भी उनका कोई संबोधन होता है और चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर उनका कोई भी बयान सामने आया हो, वो एक गहरा असर करता है। यही नतीजा कि फिलहाल ये बयान भी सामने आया है एनसीपी नेता का। देखिए रितु, योगी जी जब भी बोलते हैं तो वो बहुत कुछ सोच समझ के बोलते हैं। जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी तीखे और तेज तर्रार नेता के रूप में जाने जाते थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपनी भाषा को थोड़ा सा संयमित किया है, लेकिन तीखापन कम नहीं हुआ है। संयमित भाषा को तीखा करके वो विरोधियों पर अटैक करते हैं, विरोधियों को निशाने पर लेकर के आते हैं। फिर तय बात है, उनके आक्रमण के बाद जो विरोधी हैं वो भी कोई ना कोई बयान देते हैं, और फिर बातें चर्चा में आ जाती हैं और चर्चा का विषय काफी दिन तक बनी रहती है। ये उसी का नतीजा है। बिल्कुल, अब देखना होगा इस बयान को लेकर जो एनसीपी नेता नवाब मलिक के जरिए आया है, उस पर कितने दिनों तक चर्चा यहाँ पर बनी रहती है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए।